नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यूपी विधानसभा का तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। कहीं छूटपूट घटनाएं देखने को मिली तो कहीं पर खूनी संघर्ष, कहीं पर हिजाब पर हंगामा हुआ तो कहीं पर झड़प, और कहीं पर जय श्री राम के नारे लगे, और कहीं पर वोट के दौरान की फोटो वायरल हो गई है। पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी लगातार चलता रहा और इसी बीच खत्म हो गया तीसरे चरण का चुनाव। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो रही हैं चर्चा का विषय। सात चरणों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के चुनावों के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई जो चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक को कटघरे में खड़ा करती है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ने थे और कुल 59 सीटों पर 61.52% वोटिंग हुई। जानकारों ने बताया कि तीसरे चरण के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड का चुनाव हो रहा हो। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा वोट ललितपुर जिले में पड़ा। यहां पर कुल 59.05% वोट पड़े। इसके अलावा एटा में 63.55% वोट पड़े, जबकि महोबा में 62.01% वोटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले जिले मैनपुरी में 61.51% वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कई घटनाएं भी हुई जिसमें लोगों में भय बना रहा। आपको बता दें कि झांसी के बबीना विधानसभा के सिमथरी गांव में सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई और इसके बाद पथराव भी हुआ। इसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा जालौन भाजपा में आपसी कलह सामने आई। भाजपा कोच नगर अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और कानपुर के किदवई नगर में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया। तनाव को देखते हुए दोनों ही प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया और बूथ पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। इसके अलावा कानपुर के हडसन पोलिंग बूथ पर हिजाब को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने कैमरे के सामने शिकायत की कि उन्हें हिजाब पहनकर वोटिंग से रोका गया है। महिलाओं का पोल पर अधिकारियों से विवाद भी हुआ। इसके बाद पुलिस पहुंची और इसका निपटारा कराया गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि हिजाब को लेकर विवाद की बात अफवाह है। कानपुर में ही रावतपुर रामलला स्कूल में सपा प्रत्याशी सम्राट विकास के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पर वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ से अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज करके कार्यवाही की जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बचे हुए चरणों के चुनाव सही तरीके से संपन्न होते हैं या फिर इन चरणों में भी घटनाएं देखने को मिलती हैं।